अपनी किसी बात पर कभी गरूर मत करना। वक्त का कोई भरोसा नहीं, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करना है मेरे दोस्त, वक्त कोयले को भी कोई नूर बना देता है। किसी से बदला लेने में कोई समझदारी नहीं। आपकी समझदारी तो तब है जब आप सामने वाले को ही बदल दें। थोड़ा सब्र रख, जिसने तुझे धोखा दिया है वो किसी भी सूरत में बचेगा नहीं, वो भी आज नहीं तो कल जरूर धोखा खाएगा। ऊपर वाले के यहां देर है, अंधेर नहीं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें बड़ी हिफाजत से सदा संभाल कर रखिए, और जो मन से उतर जाते हैं उनसे हमेशा संभल कर रहिए। दोस्तों, वक्त एक न एक दिन सबका आता है, बस वक्त बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। जब तालाब पानी से लबालब भरा रहता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, और जब वही तालाब सूख जाता है तो चींटियां मछलियों को खाती है। यही है कुदरत का खेल, समय समय की बात है। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। बहस और बातचीत में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। बहस सिर्फ यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि बातचीत यह सिद्ध करती है कि क्या सही है। एक दोस्त ने एक दिन मुझसे पूछा, सर विपरीत परिस्थितियों में भी आप इतना खुश कैसे रह लेते हैं? तो मैंने कहा, दोस्त अब मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो साइड ग्लास ही हटा दिए हैं जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते नेगेटिव लोग नजर आते थे। रिश्तों में झुकना कोई अजीब या बड़ी बात नहीं है। सूरज का दिल भी देखिए, सूरज तक ढल जाता है चांद के लिए, फिर इंसान की तो बिशात ही क्या है। ईश्वर सिर्फ इंसानों को मिलाने का काम करता है। संबंधों और रिश्तों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम इंसान अपने कर्मों, स्वभाव और आदतों से स्वयं करता है। जिस इंसान को भगवान की कृपा दृष्टि पर पूरा भरोसा है और उसके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। किसी ने क्या खूब कहा है, जीविया पर थोड़ा विराम लगाकर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगोकर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मस्तिष्क को थोड़ा झुकाकर देखिए, सारा अभिमान मर जाएगा। अपनी आकांक्षा इच्छाओं को थोड़ा घटाकर तो देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। चाहे जमाना मेरे बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, मैं ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं करता। और जिसे मेरा जमीर न माने मैं उसे कभी सलाम नहीं करता। जो लाचार हैं अपनी आदतों से उन्हें कोई खुश नहीं कर सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं भला उन्हें कौन दुखी कर सकता है। जिंदगी में ये दो बातें हमेशा याद रखो, वक्त की लहरों के साथ अपने आप को बदलते देखो, या ठान लो वक्त को ही बदल लेने की जिद। क्योंकि मजबूरी और लाचारी दिखाने से जो था वो भी चला जाएगा। बड़े और सभी महान कार्य हर छोटे छोटे कार्य से ही बने होते हैं। याद उनकी नहीं आती जो दिमाग में बसते हैं, बल्कि याद तो उनकी आती है जो दिल के अंदर बसे होते हैं। जैसे ही डर, बीमारी और मुसीबतें आपके करीब आए, उन पर तुरंत आक्रमण करके नष्ट कर दीजिए। गुलाब का फूल ऐसे ही गुलाब नहीं बन जाता।
गुलाब के फूल में ऐसे ही खुशबू नहीं आ जाती जनाब। गुलाब के फूल में ये मुस्कुराहट, ये अदा, ये खुशबू हवाओं के थपेड़े खाकर कांटों में पलने के बाद ही आती है। कहते हैं अगर हौसला तेरा बुलंद है तो तूफान तेरा क्या बिगाड़ेगा, अगर इरादा तेरा पक्का है तो हर एक पर्वत भी तुझे छोटा लगेगा। 50 साल से अधिक हो गई है मेरी उम्र। मैं जब भी किसी चौराहे पर जाता हूं तो चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखता हूं, काश कोई बोर्ड दिख जाए जिस पर लिखा हो संतुष्टि 0 किलोमीटर। पर अफसोस, आज तक मुझे कोई ऐसा बोर्ड नहीं दिखा। दूसरों की शर्तों पर सुल्तान बने रहने से कई गुना ज्यादा बेहतर है अपनी ही मौज का मन मौजी फकीर बने रहना। जिंदगी में दो चीजें कभी भूल कर भी मत करना, झूठे आदमी के साथ प्रेम व्यवहार तथा सीधे और सच्चे आदमी के साथ धोखा और फरेब। जीवन बहुत कीमती है, अपने जीवन के हर क्षण को खुलकर जियो, हंसकर बिंदास होकर जियो, सबका ख्याल रखो पर अपना ख्याल भी रखो। एक दिन थोड़ी फुर्सत मिली थी, सोचा आज खुद से ही मिलाऊं। जब आईने में देखा तो पहचान ही नहीं पाया, थोड़ा ध्यान से देखा तो बालों पर सफेद चांदी सी परत चढ़ी थी। वो था तो मुझ जैसा पर न जाने कौन खड़ा था। चेहरे पर उम्र की खींची दरारें, फतराई आंखें, काले पड़े सूखे सूखे होंठ। मैं सोच में पड़ गया, है तो ये कोई देखा भाला जान पहचान का आदमी, पर ये है कौन? उसने मेरी सोच को भांप लिया और थोड़ा सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट से मुझे याद आते चले गए मेरे जीवन के पीछे छूटे वो 70 साल, वो बचपन, वो जवानी और ये बुढ़ापा। जीवन का एक एक लम्हा जीवंत हो उठा, खुशी से आंखें डबडबाई, खुशियां आंसू बनकर आंखों से टपक रही थी। सोच रहा हूं काश वो लम्हे वापस लौट आए, काश वो लम्हे वापस लौट आए। दोस्तों, आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद।